नमस्कार दोस्तों, एबीसीसी एवरीबॉडी कैन कुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लंगर वाली दाल की रेसिपी, जिसे मैं 5 दालों को मिलाकर रेडी किया है। तो आइए देखते हैं एक प्यारी सी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी रेसिपी। इस दाल को बनाने के लिए आप रेडीमेड मिक्स्ड दाल का पैकेट भी ले सकते हैं और उसके 2 कप आप ले लीजिए, या फिर आपके पास अलग अलग दालें हैं तो आप वो मिला सकते हैं, जिसमें आप अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग छिलका, काली उड़द और मूंग धुली, इसकी इक्वल क्वांटिटी आप मिला लीजिए। उसके बाद आप इसे पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए और आधे घंटे के लिए सोक करके रख दीजिए। आधे घंटे बाद इस दाल को हम कुकर में डालेंगे और थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे और लगभग 1.5 गिलास वाटर इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड करा है और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करके इसे अच्छे तरह से मिला के और विसल लगाने के लिए गैस पे रख दिया है। लगभग 4 विसल में ये दाल अच्छे तरह से गल जाती है। अब हम तैयारी करेंगे दाल को छौंकने की। इसके लिए मैंने 4 से 5 चम्मच तेल लिया है और उसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड करा है। इसके बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड कर दूंगी और इसे लगभग तब तक भूनूंगी जब तक कि ये सुनहरी ना हो जाए। इसी बीच में मैंने इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कराया है। आप अगर कटा हुआ जिंजर गार्लिक यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब प्याज सुनहरी हो गई है तो इस स्टेज पे मैं इसमें 1 कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर दूंगी। 1 टमाटर हमने उबालते समय ऐड करा था और 1 टमाटर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें थोड़े से मसाले मिलाएंगे, चुटकी भर लाल मिर्च मिलाएंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और चुटकी भर हल्दी, जिससे टमाटर और प्याज को भी एक अच्छा सा रंग मिल जाए। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच दाल का मसाला यूज़ करा है, या आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आप दाल मखनी का मसाला यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप इसमें सब्जी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इससे एक बहुत ही अच्छा और तीखा फ्लेवर आता है दाल का और एक बहुत ही सौंधी खुशबू भी इस दाल में ऐड हो जाती है। और आप एक बार ये ट्राई करके देखिएगा, आप सच में इस दाल के दीवाने हो जाएंगे। जब मसाला हल्का सा तेल छोड़ने लगेगा तो उस स्टेज में मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी। लगभग 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका रंग बदल ना जाए। जब मसाले का रंग बदल जाएगा और वो हल्का तेल छोड़ने लगेगा, उस स्टेज में यहाँ मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करी है। थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें उबली हुई दाल भी ऐड कर दूंगी। दाल की कंसिस्टेंसी चेंज करने के लिए आप इसमें पानी भी मिला सकते हैं। जितना पतला या गाढ़ा आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, पर याद रखिएगा कि ये दाल बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती है। अब इस स्टेज पे हम लिड लगा के इसमें सिर्फ 1 विसल देंगे, जिससे मसाला और दाल अच्छी तरह से मिल जाएं। तो लीजिए, स्वादिष्ट दाल तैयार है। अब हम इसमें देसी घी का तड़का लगाएंगे और इसके बाद इसे फ्रेश क्रीम से गार्निश करेंगे, धनिया की पत्ती से सजाएंगे और उसके बाद हम इसे लच्छा पराठा या फिर सिंपल पराठा रोटी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। क्रीम मैंने इसमें अपनी चॉइस से ऐड करी थी, क्योंकि मैंने इसे हल्का से एक क्रीमी फ्लेवर दिया था। और यकीन मानिए कि ये दाल इतनी स्वादिष्ट बनती है कि जब आप एक बार खाएंगे ना, तो आप इस दाल के सच में दीवाने हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसी तरह की इजी और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।